तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है problogger.com। तो गूगल में आप सर्च कर लेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप राइटिंग का काम करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने का काम मिल जाता है जिसको आप लिख करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब ब्लॉग पोस्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप गूगल में कोई चीज आप सर्च करते हैं, जैसे कि मान लेता हूं मैंने चैट जीटीपी सर्च किया तो इसके बारे में बहुत सारे, अगर जो इसका जो मेन वेबसाइट है इसको छोड़ करके जाएंगे तो चैट जीटीपी क्या है ये विकिपीडिया पे आप जाके सर्च करेंगे तो इस पे एक आर्टिकल लिखा होगा, उसके बारे में ये बताया जाएगा कि चैट जीटीपी क्या है, वह कैसे काम करता है। तो इसी तरह आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे काम करने का मेथड है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे problogger.com आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको जॉब का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऊपर ही इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट जो है यहाँ पे कितने हैं और कितने एक्टिव जॉब्स हैं, 81 जॉब्स मेरे लोकेशन पे अभी एक्टिव है और यहाँ पे सब जो सक्सेसफुली जॉब पोस्ट है वो कितना है वो भी यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना है वो बताऊंगा। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जॉब्स कहाँ पे मिलेंगे, कैसे किस जॉब में आपको अप्लाई करना है तब यहाँ पे मुझे मिलेगा और किस कैटेगरी का जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो जॉब है वो SEO राइटर असिस्टेंट बाई AI, ठीक है। AI के थ्रू इनको जो है राइटिंग का काम करवाना है, इसको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। ये जो जॉब्स है वो फ्रीलांस बेस पे आपको करना है, ठीक है। और ये एक ब्लॉग पोस्ट है, आपको कोई कॉपी राइटिंग या फिर अदरवाइज कोई और चीज नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सिंपल सा एक ब्लॉग पोस्ट राइट करना है। 30 नवंबर को ये जॉब पोस्ट हुआ है, ये नया जॉब है तो इसमें जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री हिस्ट्री आर्टिकल राइटिंग, मतलब ऑस्ट्रेलियन का मिलिट्री हिस्ट्री पे आपको एक आर्टिकल लिखना है जो कि ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए। अब कहोगे भैया कि आर्टिकल जो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री है उनके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मैं लिखूंगा कैसे, तो इसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। पहले आप उसका थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, क्योंकि भाई आप एक आर्टिकल लिखेंगे तो आपको यहाँ पे $40 से $50 मिलने वाले हैं या $100-$150 तक की भी अर्निंग हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, कहीं से भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लोकेशन बताया गया कि इसी लोकेशन पे आप काम करेंगे, लेकिन ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट वाला भी आप कहीं से कर सकते हैं, ये भी आप कहीं से कर सकते हैं, तो आप कहीं पे भी बैठे हो आप ये काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है जो कि ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए और यहाँ पे 28 नवंबर को ये जॉब पोस्ट किया गया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जॉब्स हैं जो कि सभी ब्लॉग पोस्ट ही होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कोई यहाँ पे आपको दूसरा जॉब मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग। अब ये जो है जॉब ये दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्ट आर्टिकल ही, उसको आपको रीड करना है, उसमें एडिटिंग करना है, ठीक है। तो ये जॉब भी यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट यानी कि आर्टिकल राइटिंग का ही काम मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई SEO भी नहीं करना पड़ेगा कि आपको इसका SEO करना पड़ेगा भाई, तो थोड़ा सा अच्छे खासी स्किल आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे कुछ फिल्टर का भी ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जॉब का कीवर्ड के हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से भी आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्रीलांस, एक फुल टाइम, एक पार्ट टाइम। तो फुल टाइम आप जॉब मत कीजिएगा, क्योंकि फुल टाइम में आपको यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ेगा उसी के हिसाब से, लेकिन आप पार्ट टाइम में सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सबसे बढ़िया है कि आप फ्रीलांस और कॉन्ट्रैक्ट वाला सेट कर सकते हैं कि भाई मैं आपको 10 आर्टिकल लिख के देने वाला हूँ पोर्ट्रेट बेस पे, या फिर फ्रीलांस बेस पे आपसे कोई एक दो आर्टिकल लिखवाता तो उसको लिख के दे देंगे, तो ये जॉब सबसे बेटर होता है। तो फ्रीलांस और कॉन्ट्रैक्ट आप पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला जॉब है इसी पे मुझे अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे इसका पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा, लोकेशन एनीवेयर यानी इसे मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, ये रिमोटली जॉब्स है, टाइप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मुझे करना है, कैटेगरी जो है वो ब्लॉग आर्टिकल राइट करना है, ठीक है। कंपनी टाइप नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लगभग नया कंपनी है। अब इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखा गया, ठीक है, अब इसको आपको पढ़ना जरूरी है। अब डिस्क्रिप्शन आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ये मुझसे कैसा आर्टिकल लिखवाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्टिकल अराउंड यहाँ पे 1000 वर्ड का आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आर्टिकल जो है वो 1000 वर्ड का लिखना है और 2 आर्टिकल पर मंथ के हिसाब से इसको देना है। अगर जो आप ये जॉब अगर जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे,
तो दो आर्टिकल आप पर मंथ लिखेंगे और एक एक हजार का वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको इसका रेट भी दिखाया गया है कि आपको $0.1 पर वर्ड के हिसाब से मिलेगा, यानी कि आप जैसे ही 10 वर्ड लिखेंगे आपको यहाँ पे $1 मिलेगा, यानी कि आप 1000 वर्ड का कोई एक आर्टिकल लिखते हैं तो आपको यहाँ पे $100 की अर्निंग हो जाएगी। महीने में आपको दो आर्टिकल लिखना तो $200 की अर्निंग आपको मिनिमम होने वाली है। यही चीज अगर जो आप 2000 वर्ड का लिख देते हैं, ठीक है, एक ही आर्टिकल 2000 वर्ड का ले लेते हैं, आप ज्यादा रिसर्च करते हैं आपको ज्यादा आ जाता है, तो आप 2000 वर्ड का लिखिए तो आपको यहाँ पे $200 की अर्निंग हो जाएगी। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और $300 से $400 की अर्निंग सिर्फ एक आर्टिकल वेबसाइट पे ज्वाइन करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ एक जॉब में अप्लाई करके, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है तो वो देख सकते हैं कि मतलब आपको क्या क्या आना चाहिए। रिक्वायरमेंट इनका है दोस्तों, आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छा खासा है, नेटिव लेवल स्पीकर लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए, मतलब आपको इंग्लिश आना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे इंग्लिश में आर्टिकल लिखेंगे तो आपको इंग्लिश तो आना चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे इंगेजिंग राइटिंग का ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और हाईलाइट करके यहाँ पे राइटिंग का काम आता हो आपको तो काम कर सकते हैं। अगर जो नहीं आता है दोस्तों तो भी आप इस जॉब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसी दूसरे बंदे से आप यहाँ पे 1000 वर्ड का आर्टिकल $10-15 में लिखवा करके इसको दे सकते हैं, तो इस तरह का भी काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे पूरा काम करना पड़ेगा, अकाउंट आपको खुद बनाना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा कि भाई मैं खुद ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा भी आप यहाँ पे कैन राइटिंग बेल एक्यूरेट स्पेलिंग एंड ग्रामर, आपका स्पेलिंग और ग्रामर अच्छे से सही होना चाहिए तभी आपको यहाँ पे काम कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे लिखा गया। अब हाउ टू अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे कवर लेटर डिस्क्रिप्शन मतलब इसका डिस्क्रिप्शन रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिज्यूम में डालना है, ठीक है जी। रिज्यूम में दोस्तों आपका पूरा डिटेल होता है, रिज्यूम कैसे बनाया जाता है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि उस पे रिज्यूम बना के कैसे अर्निंग किया जाता है, तो जाके आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, मतलब अपना एक किसी आर्टिकल को लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है, मतलब लिंक को यहाँ पे डाल देना है और वो लोग उस आर्टिकल को देखेंगे, उसी हिसाब से आपको डन करेंगे कि भाई आप मेरे लायक काम कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना एक यूजर नेम डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर पासवर्ड को रिपीट करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है जिसपे आपका ये जो कस्टमर है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फिर फोन नंबर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालना चाहते हैं अगर जो आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। सो प्राइवेसी यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप अपना फोटो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मतलब जिसपे आपके स्टार नहीं लगा दोस्तों उसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कंट्री आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस कंट्री से हैं, जैसे मैं इंडिया से हूं तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा, आप यूएसए से हैं तो यूएसए सेलेक्ट कीजिएगा, जिस भी कंट्री से वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डालेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत ही बेटर होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलिया कंट्री के जो भी है सभी डिटेल्स जानते होंगे, ठीक है। अगर जो आप इंडिया से हैं तो ऑस्ट्रेलिया मत डालिएगा, इंडिया ही डालिएगा। फिर यहाँ पे स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे सेलेक्ट करना तो सेलेक्ट करिए। फिर जिप कोड आप यहाँ पे डालेंगे। रिज्यूम आपको यहाँ पे डालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी ब्लॉग राइटिंग करना है, प्रोफेशनल है, हेडलाइन आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल समरी भी अपना डाल सकते हैं, आप यहाँ पे राइटिंग टॉपिक्स अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें से जिस भी कैटेगरी के लिए आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये मिलिट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे पॉलिटिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके नीचे पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह दो तीन कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये दोस्तों आपका रिज्यूम यहीं से क्रिएट हो रहा है, आपको अलग से रिज्यूम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वेबसाइट खुद यहाँ पे सुविधा दे रही है कि आप अपना रिज्यूम यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल समरी आप अपने बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपके अंदर एक्सपीरियंस है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्किल स्पेशलिस्ट, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड गोल, ये सब कुछ यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एड एक्सपीरियंस का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप कब से काम कर रहे हैं, कभी आप इतने फिनिश किया है, कंपनी का नाम, जिस कंपनी के लिए आप कर रहे हैं उसका नाम क्या है, इसका टाइटल क्या है, सब कुछ डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड ही करें, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूर ऐड कीजिएगा। अगर जो आपके पास नहीं है तो भी आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा, आपसे कोई ये सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा कि भाई मुझे प्रूफ दीजिए, ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन आपसे पूछ रहा है, तो एजुकेशन भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कुछ भी आप अपना एजुकेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री कौन सा है तो आप अपने हिसाब से डिग्री यहाँ पे बीकॉम बीएससी कुछ भी डाल सकते हैं ग्रेजुएशन से रिलेटेड। फिर यहाँ पे न्यूज लेटर का ऑप्शन आया था तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब वो दोस्तों की आपके जीमेल आईडी पर इनका मैसेज जो जाएगा वो सब कुछ है। फिर यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आता है, इसको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जॉब में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे आएंगे, काम करेंगे और काम करके आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप दूसरे जॉब में रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये जॉब से फिर आप बैक आ जाएंगे। जैसे कि मान लेता हूँ आपने एक जॉब में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया, फिर आपको दूसरे जॉब में भी पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना, जैसे एनीवेयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वाला है तो इस पे मुझे करना है फिर से, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो देख सकते हैं और पर प्राइस कितना मिलेगा वो देख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कंटेंट विल रेंज 500 से लेके 3000 वर्ड के अंदर होना चाहिए और एजर के एवरेज यहाँ पे 1800 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट पेमेंट कब मिलेगा वो भी दिखाया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इनको आर्टिकल लिख करके देंगे आपको तुरंत यहाँ पे पेमेंट दे दिया जाएगा। रेगुलर वर्क आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे पेलेंट्री मिल जाएगा अगर जो आप लॉन्ग टाइम में यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे तो, ठीक है। जैसे कि इनका कहने का मतलब है कि 1 से 4 आर्टिकल पर वीक इनको लिखकर देना है, तो इतना आर्टिकल आपको इनको पर वीक लिख के हर हाल में देना ही है। ऐसा करेंगे कि आप यहाँ पे 2 दिन 3 दिन काम ही नहीं करेंगे, 4 दिन काम ही नहीं करेंगे जब ये काम देंगे तो वहां पे आपको वहां पे ये पिलांटी लगा सकते हैं, मतलब आपका पेमेंट रोक सकते हैं। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, यहाँ पे अगर जो काम करना है तो आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग जॉब है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको ये जॉब पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप इसी में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको जो जॉब पसंद आएगा उसी में ही काम कीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जॉब सर्च करेंगे, जॉब को आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगर जो आपको कंटेंट राइटिंग का काम करना है तो इससे अच्छी वेबसाइट मेरे हिसाब से नहीं मिल सकती है। तो आप एक कंटेंट राइटर हैं, आप एक बेसिक कंटेंट राइटर है या फिर एडवांस कंटेंट राइटर है तो दोनों लोगों के लिए ये वेबसाइट बेटर होने वाली है। और विड्रॉ मेथड की बात करें दोस्तों तो आपका सबसे जो बेटर है वो पेपाल है, पेपाल में आप विड्रॉ ले सकते हैं। उसके अलावा आप पेनियर भी मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा आपको किस में विड्रॉ देना चाहता है या फिर आप किस तरह का आप उससे विड्रॉ लेना चाहते हैं। उसके पास पेपाल पेन्यूर और बैंक ट्रांसफर तीनों है तो आप किसी में भी विड्रॉ ले सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो जो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।